जिंदाबाद जिंदाबाद। नवीन मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? क्या बताइए बताइए क्या मामला है, आप सब लोग यहाँ पर? ऐसा है, हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि हम लोग जहाँ मतपेटी रखी गई है उसके आसपास रहें। हम कैंडिडेट की हैसियत से वहाँ तक जा सकते हैं, हमारी एंट्री हो रही है। और एक इंस्पेक्टर एमपी सिंह है जिन्होंने शराब पी रखी है और बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से मुझसे मिसबिहेव किया है। मेरी शिकायत है प्रशासन से, मैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव करूंगा, उनकी जांच कराई जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। क्या बदतमीजी हुई आपके साथ? हमारे साथ ये बदतमीजी हुई, हम जब गए तो हमसे कहने लगे हटिए हटिए, मैं दूर रहना, ये सीआरपीसी आईपीसी हमें मत बढ़ाना, हमें एमएलए रहे 5 साल, हमने हाथ फेस किया है। किसी की बॉडी से उंगली या हाथ डंडा लगाने का अधिकार पुलिस को नहीं है। और तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो हमसे ऐसी भाषा बोलने लगे, हम उनसे उम्र में बड़े हैं, हमारी 62 साल की उम्र है, यदि उनकी 62 हमसे ज्यादा होती रिटायर हो गए होते। दूसरा, हम एमएलए रहे, हमारा जब हम विधायक थे अप टू चीफ सेक्रेटरी प्रोटोकॉल है, ऐसे छोटे कर्मचारी को हमसे बहस करने का अधिकार भी नहीं है, बड़े गर्दन झुका के हमसे बात करने का अधिकार है। उन्होंने हमसे बदतमीजी की है, हमारी शिकायत है, हम कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। भारी तादाद में सभी लोग पहुंचे हैं, आखिर क्या वजह मान के? हमारे नेता को बनारस में, बस्ती में बीबी पैट की पर्चियां मिली है और आपकी ये ईवीएम मशीन मिली है और प्रशासन की गाड़ी है और वो लोग गाड़ी छोड़ के भाग गए। अभी तक 4 घंटे हो गए, किसी भी अधिकारी का आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये प्रशासन, ये योगी और मोदी के इशारे पर पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की बम्पर वोटों को बदलने के चक्कर में हम लोग इसके लिए रात भर जगेंगे, अलर्ट रहेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नायब आने के बाद में ईवीएम की पारदर्शिता पर उंगली उठाई है, जिसकी वजह से भारी तादाद में यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नारेबाजी चल रही है, ये देख रहे हैं आप, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, देखते रहिए। तो गिर भाई दिखाते रहो चारों तरफ के साथ। मैं शांति से बात कर रहा हूँ। सर विधायक जी को धक्का दिया उन्होंने, जाँच करा देता हूँ, बोले करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है, सुन लीजिए, अभी बाकी जिनको जिनके पास पास है वो जाए अंदर, हम अकेले जा रहे थे, हम अकेले ही थे, एक लड़का हमें पकड़े था, बस
ये लोग तो थे भी नहीं, हम तो भारी, ये तो जब उन्होंने हमसे चुप्पड़ किया, हमने कप्तान साहब को फोन मिलाया वो मीटिंग में, शायद डीजीपी साहब की कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम लोग सभी मीटिंग में थे, ठीक है, जब वो ये हल्ला हुआ है, जब ये लोग भागे, ये भागे तो बैठ गए इधर आ जाओ, वहाँ अच्छा नहीं है, जाएंगे तो हम जाएंगे, आप भागे बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी गाड़ी इधर आ जाओ, उन्हें जाने दे। आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और वार्तालाप जो है वो जारी है। इस वक्त जो प्रत्याशी हैं वो लगातार यहां पर बात कर रहे हैं और भारी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। क्या हुआ था सर, यहां क्या बात है, जितने सारे लोग आप इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, इकट्ठे तो हम हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश। अच्छा, कि जो योगी मोदी जी चोरी करना चाहते हैं और चोरी की वारदातें पकड़ी गई हैं, तो हमें ईवीएम रखानी है, जो वोट जहां जनता ने दिया है अपने वोट को रखाने के लिए हम बैठे शांति के साथ। विधायक जी आए थे, वो अंदर जा रहे थे, उनके साथ जहां इंस्पेक्टर ने उन्होंने बदतमीजी की है, जो उन्होंने शराब भी रखी, बाकी और कोई मसला नहीं है ना कोई हमारा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लाइव आने के बाद में अपने सभी प्रत्याशियों को ये निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर पहुंच जाएं कि कोई ईवीएम में जिस तरह से इनका कहना है कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से सभी आला अधिकारी यहाँ मौके पर इस वक्त जो है पहुंचे हुए हैं, मतगणना पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही बुलंदशहर की यहाँ नई मंडी को छोड़ेंगे। ये गुंडागर्दी, ये बिल्कुल भी अनीति हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, हम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के अनुयायी हैं, हम जान पर खेल जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अंदर का नजारा यहाँ से दिखा देता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं, जो प्रत्याशी हैं, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और आला अधिकारी तमाम यहाँ जो है पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव का वहाँ से बयान आया कि सभी जो प्रत्याशी हैं वो जहाँ ईवीएम में वोटिंग जो है खुलेगी, नतीजे सामने आएंगे, तमाम यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य यहाँ पर इस वक्त जो है, जो परसों वोटिंग खुलने वाली है उनके, जो इसी वजह से यहाँ पर सभी लोग पहुँच रहे हैं और भारी तादाद में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। खैर, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ अंदर कुछ लोग पहुँच गए थे जिसकी वजह से पुलिस ने उनके साथ में जो भी जिस तरह इनका कहना है कि बदतमीजी की या कुछ भी हुआ है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जो भी प्रत्याशी हो या उनका कोई समर्थक हो वो उस जो वहाँ बैरिकेडिंग की गई है उसके अंदर नहीं जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल जो समर्थक हैं और जो प्रत्याशी हैं वो सभी इस वक्त जो है वो बाहर हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? अभी जो हमारे खुर्जा के प्रत्याशी हैं वंशी सिंह पहाड़िया जी, अभी आए थे, जाकर के अपना उन्होंने पास दिखाया, एंट्री करने के लिए कहा जी, लेकिन जो वहाँ इंस्पेक्टर थे एमपी सिंह, उन्होंने उनके साथ में वो दुर्व्यवहार किया जो एक आम आदमी के साथ में नहीं करना चाहिए, धक्का तक दे दिया, धक्का तक उन लोगों को दे दिया, अपनी उससे मरता जाए ढंग से वो। हम लोगों का प्रशासन से तो विश्वास ही उठ गया है, तभी तो ये लोग यहाँ जी। अभी बैरिकेडिंग के सब अंदर थे जिस तरह, मगर अंदर जाना अलाउ नहीं है, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं थे, जहाँ इंस्पेक्टर साहब ने धक्का मुक्की विधायक जी के साथ की, सब विधायक जी के पीछे खड़े थे और अपनी बात कह रहे थे, सबने अनुशासन के तरीके के बाहर जी जी जी, जी। के बाद बैरिकेडिंग के बाहर था, अंदर कुछ नहीं था। चलिए, खैर, फिलहाल जो समर्थक हैं उन सभी में रोष दिखाई दे रहा है और सभी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक कि जो वोटिंग है पूरी तरह से खुल नहीं जाती है, यहाँ पर जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आते, यहाँ से वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, कब तक यहाँ रहने वाले हैं? वोट खुलने से लेकर के प्रमाण पत्र मिलने तक, चूंकि बीजेपी के सभी लोग बौखला गए हैं, प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं, सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है कि प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है, उसी को देख करके पूरे प्रदेश में ये दबाव बनाना चाहते हैं किसी भी तरह से कोई लोटमानी कर सके। जो कि आपने चौथा स्तंभ आपने देखा होगा, एक सत्ता पक्ष के रूप में काम कर रहा है, आपने देखा सोनभद्र की घटना, वाराणसी की घटना, लगातार मशीनें मिल रही हैं। पहले अखिलेश जी के सरकार के समय में
चुनाव आयोग से शिकायत होती थी, कार्रवाई होती थी, लेकिन अब पूरा चुनाव खत्म हो गया, एक भी कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने। ये बहुत अनीति है, लेकिन अनीति का अंत जरूर है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही इस मंडी को छोड़ेंगे। तो तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं कि थोड़ा दूर तक दिखा दीजिए, अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो माहौल है फिलहाल शांत नज़र आ रहा है। दिखाते रहें, आप लोग कैसे खड़े हैं? क्या एजेंट है क्या अंदर जाने वाले? अंदर जाने वाले और रखाने वाले हो कौन हो? निगरानी वाले, निगरानी पास है बनवाए हो पास? अंदर जाने वाले यहाँ नहीं रह पाओ, ये सेफ प्रमाइस या तो आप देखिए आप बैरियर को मार रहे बाहर नहीं रहते, ये पूरा प्रमाइस सेफ है। जो भी रह सकता है, जो पास है, एक आदमी दो आदमी तीन आदमी जितने बनवाना चाहो जितने आप सब बन रह सकते बाहर में रह सकते क्या? नहीं जब हम पहले दिन आए तो हमने ये कहा था कि अंदर गाड़ी ना जाए, एसपी साहब से बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा अंदर गाड़ी नहीं जाएगी। आज शाम को हम पहुंचे तो पहले तो हमें एक मजिस्ट्रेट लिखी हुई गाड़ी अंदर जाती हुई, तो वो नियम तो आपका फॉलो नहीं हो पाया। दूसरी फिर हमारी बात हुई कि हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, वो अंदर के पास बने हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ तक गाड़ी आ रही है। आप जहाँ तक किसने कहा कि यहाँ तक गाड़ी आ रही है? गाड़ी खड़ी है आपकी सबकी, जहाँ तक आप सब लोगों की गाड़ी आएंगी वहाँ तक हम रहेंगे। तो गाड़ी गाड़ी जहाँ तक आ रही है वहाँ तक आएंगे। अगर आप लोगों की सबकी गाड़ी बाहर गेट पर चली जाएंगी और गेट बंद हो जाएगा, केवल एंट्री आपकी होगी। बिल्कुल, चलो ठीक है, हम लोग गाड़ी पर अंदर नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगी। सारी गाड़ियाँ गेट पर गेट बंद रहेगा, गेट बंद होना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगी सारी गाड़ियाँ। हम भी पैदल आएंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हम भी पैदल आएंगे, बिल्कुल ठीक, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गेट रखाना चाहिए, गेट रखा सकते हैं, कोई गाड़ी आती है बता देना मुझे, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, नहीं कोई गाड़ी है। मतलब घूमूंगा, अब नहीं रहेगा, तो आज से लेकर कब तक, परसों तक नहीं रहेगा, बंद बंद हो गया। फिलहाल मंडी से सभी को बाहर किया जा रहा है, जो प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं वो सभी। फिलहाल पुलिस से जिस तरह वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद में जो मंडी है, मंडी से सभी को बाहर किया जा रहा है। इधर आए थोड़ा सा, पुलिस प्रशासन ने फिलहाल तो सभी को बाहर जाने के निर्देश दिए हैं कि यहाँ अंदर कोई नहीं रहेगा, सभी को यहाँ से बाहर जाना होगा। और फिलहाल सभी लोग बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, जाएंगे तभी तो प्रशासनिक गाड़ियां बाहर जाएंगी, उससे पहले हम नहीं जाएंगे, जब तक प्रशासन गाड़ियां बाहर एक एक हो जाएगी, प्रशासन के लोग बाहर चले जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। जब तक प्रशासन की गाड़ी एक एक बाहर नहीं चली जाएगी, तब तक हम ये लोग यहीं डटे रहेंगे, टू व्हीलर नहीं रहेगा इस मंडी में, तानाशाही ना करे बिल्कुल भी, प्रशासन की भी गाड़ी बाहर ही जा रही है। हम समाजवादी लोग हैं, प्रेशर में लेना चाहते हैं, वो तानाशाही प्रशासन की चल नहीं पाएगी, लोकतंत्र को खत्म करने में प्रशासन का अहम रोल है। अधिकारियों की गाड़ी बाहर जानी शुरू हो गई, अब एक एक करके जिस तरह से जो यहाँ समर्थक हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं अगर बाहर जाती हैं तो तमाम यहाँ के समर्थक यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो सभी एक एक करके गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर जानी शुरू हो गई हैं। और अब देखना ये होगा यहाँ कितनी देर ये लोग रुक पाएंगे। हम तो रुकेंगे यहाँ पे जब तक वोटिंग पूरी नहीं खुल जाएगी, प्रमाण पत्र नहीं हो जाएगा, एक एक वोट का हिसाब नहीं हो जाएगा, यहीं रुकेंगे, हम यही रात दिन यहीं कर देंगे। हम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के अनुयायी हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने भी काफी जेलें सही हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हम जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ पर सातों विधानसभाओं की निष्पक्ष
काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भूखे प्यासे जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर के लिए फिलहाल नवीन मंडी में जिस तरह यहाँ ये लोग पहुँचे हैं उसी जो पुलिस प्रशासन है उनका कहना ये है कि यहाँ से सब लोग बाहर जाएं। यहाँ ईवीएम मशीन जो है वो तमाम यहाँ जो है रखी हुई हैं और इसी वजह से सभी को बाहर जाने के निर्देश दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम यहाँ से जो नेतागण हैं और जो उनके समर्थक हैं वो फिलहाल अभी तो डटे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना ये है कि जब तक की गाड़ियाँ बाहर नहीं पहुँच जाती हैं एक एक करके तब तक कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। तो अधिकारियों की गाड़ियाँ हों या फिर और अब जो नेताओं की गाड़ी है वो भी यहाँ से निकलनी शुरू हुई है। भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। जिस तरह से लोगों को पता चला उस तरह से लोग यहाँ की तरफ कूच करते नज़र आए, मगर बाहर पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया। बाहर से अंदर आने की जो एंट्री है वो पुलिस प्रशासन ने जो वहाँ से रोक दी है। अब जो अंदर हैं वो अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं और जो बाहर गेट के बाहर हैं वो तमाम जो लोग हैं वो बाहर ही रोक दिए गए हैं। अब जो अंदर लोग यहाँ पर हैं इस वक्त जो प्रदर्शन कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब उन्हें रोका जा रहा था उन्हें यहाँ से बाहर भेजने की कवायद शुरू हुई है। देख सकते हैं आप ये सब शेयर भी करते रहें, जो लोग देख रहे हैं हमारी खबर वो लोग शेयर करते रहें बराबर। थोड़ी देर पहले बहुत ही तनातनी का माहौल यहां पर बन चुका था जिस तरह से अखिलेश यादव ने ईवीएम और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं उसको लेकर यहां पर जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि सभी लोग अभी भी यहां पर डटे हुए हैं। हालांकि कुछ गाड़ियां यहां से बाहर की ओर कूच कर गई हैं मगर अभी ये हम नहीं कह सकते साफ कि यहां से जो तमाम लोग हैं वो यहां से चले जाएंगे। पुलिस के आला अधिकारी आप देख सकते हैं कि यहां तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और गाड़ियां जो हैं वो बाहर की तरफ कर दी गई हैं और एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। मगर अभी भी माहौल जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि एक एक करके बाहर जाना लोगों का शुरू हो गया है। दोनों तरफ दिखाते रहे इधर भी और इधर दिखाते रहे। अभी जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो शेयर भी करते रहे। ये लाइव जो आप देख रहे हैं इस वक्त सब लाइव चल रहा है और हाँ तो इस वक्त का जो माहौल है वो आप देख रहे हैं कि फिलहाल शांति बनी हुई है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी हंगामा हो रहा था जो बंसी पहाड़ियां हैं खुर्जा से प्रत्याशी रहे हैं वो उनका साफ तौर से ये कहना था कि उनके साथ बदतमीजी हुई उनके साथ धक्का मुक्की हुई। क्या हुआ था सर? धक्का मुक्की हुई थी क्या हुआ? हाँ उनके साथ में बदतमीजी हुई थी। एक इंस्पेक्टर हैं और उनको उन्होंने धक्का दे दिया था। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी जो उसलिए थोड़ा सा और उनके पैर में भी चोट लगी हुई थी विधायक जी के में तो उनके उसके बाद में सभी कार्यकर्ता लोग वहाँ पहुँचे उनके पास में नहीं तो सब उसके बाहर ही थे। केवल वो सिंगल गए थे उनके साथ एक ही आदमी था बस और वो अकेले थे और वो इंस्पेक्टर ने उनके साथ में ज़्यादा बदतमीजी की। उनके वो एजिड भी हैं विधायक जी हमारे काफ़ी एज के हैं 62 साल। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल अभी थोड़ी देर पहले बन चुका था क्योंकि जो बंसी पहाड़ियां हैं उनसे हमारे इंस्पेक्टर के जो है वो डॉक्टरी कराने की भी मांग है कि वो ड्रिंक करे हुए हैं जो है शराब पी रखी है उन्होंने उनकी डॉक्टरी हो ये। चलिए ये तो पुलिस प्रशासन जो है देखेगा कि बदतमीजी अगर की गई है और अगर ड्रिंक की है नहीं की है वो पुलिस प्रशासन के सब जो है उसमें होगा। तो तमाम जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके किसान भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं वो भी यहां पर जो है भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं
जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी जो गाड़ियाँ हैं वो तो बाहर कर दी गई हैं और चारों तरफ लगा के यहाँ से और बाहर तक सिर्फ पुलिस प्रशासन दूर तक दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अंदर का माहौल हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से हम आपको जो है दिखा देते हैं कि किस तरह का यहाँ माहौल चल रहा है। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी एक और यहाँ से जो है ये चलिए आज इधर आ जाओ थोड़ा सा। अभी भी वार्तालाप चल रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ ये लोग डट पाएंगे या यहाँ से हटा दिया जाएगा। बात हो गई और सभी लोग गेट के बाहर के लिए इस वक्त जो है यहाँ से चलने की बात कर रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो काफी अभी गर्म हो चुका था और भारी तादाद में पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी। एक बार फिर से दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप कि बाहर से फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। पहले ही यानी कि जो काउंटिंग है वो 10 तारीख में यहाँ क्लियर होगी और उससे पहले यहाँ जो बाहर से फोर्स मंगाई गई थी वो फोर्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का माहौल है। हाँ तो फिलहाल तो यहाँ से सभी को हटा दिया गया और जो गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर आ गई थी सभी गाड़ियाँ बाहर के लिए एक एक कर कूच कर रही हैं। थोड़ा इधर दिखा दीजिए। ये देखिए आप दूर तक देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भारी तादाद में यहाँ पर इस वक्त तैनात है और गहमा गहमी का जो माहौल था वो फिलहाल सब ठंडा हो चुका है। पुलिस प्रशासन यहाँ भारी तादाद में पहुँच चुका है और जो प्रत्याशी और उनके जो समर्थक थे जो यहाँ पर हंगामा अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था वो हंगामा बिल्कुल बंद हो चुका है और जो यहाँ से प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं वो बाहर की तरफ कूच कर चुके हैं। एक एक कर सभी गाड़ियों को यहाँ से बाहर किया जा रहा है। दिखा दीजिए थोड़ा सा गाड़ी। सभी गाड़ियों को यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो आप थोड़ा दिखाइए इधर। किसान यूनियन के लोग भी यहाँ, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी। तो किसान यूनियन के काफी लोग होंगे, कितने लोग होंगे? काफी लोग हैं जी, हजारों की संख्या में है जी। हाँ हाँ। तो किस लिए आप लोग यहाँ पे? मैं प्रशासन बिका हुआ है और ये योगी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मतगणना पे कोई धांधलेबाजी ना हो। कैसे कह सकते हैं निरपक्ष नहीं होगा? ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी बनारस में ईवीएम मशीन ईवीएम पकड़ी गई है जी। बनारस में प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ इसलिए जी। तो इसीलिए जो है यहाँ जो किसान यूनियन के लोग हैं वो यहाँ पर भारी तादाद में पहुँचे हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे, काफ़ी हंगामा हुआ, मगर फिलहाल सब जो है वो माहौल आप देख सकते हैं कि सिर्फ अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, बाकी सभी को यहाँ से बाहर कर दिया गया। जो बैरिकेडिंग है उससे सभी लोग बाहर रहेंगे। अगर अंदर की ओर कोई कूच करेगा तो साफ तौर से उसके साथ धक्का मुक्की भी हो सकती है, बदतमीज़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो इसलिए यहाँ तैनात है कि जो बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी गई, जो ईवीएम मशीन है जो अंदर रखी हुई है, वहाँ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए किसी तरह की। और अखिलेश यादव जो सपा मुखिया हैं उन्होंने जिस तरह से लाइव आने के बाद में सभी अपने प्रत्याशियों को और उनके सभी नेतागणों को ये वहाँ से निर्देश दिए कि सभी लोग जो है वहाँ पहुँचें जहाँ ईवीएम मशीन है,
तो सभी लोग यहाँ पर भारी तादाद में इसीलिए पहुँच रहे थे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर पुलिस प्रशासन रह चुका है, और जो किसान नेता और जो समाजवादी पार्टी के काफ़ी नेता यहाँ पे थे, आरएलडी के यहाँ के काफ़ी नेता थे, क्योंकि गठबंधन है तो यहाँ पर वो लोग पहुँच रहे थे। सभी लोगों को बाहर कर दिया गया, हालांकि जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं वो भी बाहर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। साथ में जो किसान नेता और उनके साथ साथ काफ़ी भारी तादाद में जो किसान यहाँ नेता पहुँचे हुए थे, वो सभी को बाहर कर दिया गया। और उसके साथ ही बंसी पहाड़िया से हमारी बात हुई, जो खुर्जा प्रत्याशी हैं खुर्जा विधानसभा से, उनका साफ तौर से ये कहना था कि उनके साथ धक्का मुक्की हो गई, तो वो भी फिलहाल जो है बाहर कर दिए गए हैं। देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या है।